हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल कुकिंग। आज हम मटर पनीर बनाएंगे और मटर पनीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो हैं पनीर, बेसन, गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, देगी मिर्च, सूखी मेथी, हल्दी पाउडर, दही, घी, अमूल क्रीम, जिंजर, टोमेटो प्यूरी, मटर, कोरिएंडर फॉर गार्निश। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। अब पहले हम घी को थोड़ा मेल्ट करने के बाद पनीर घी में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको 5 to 7 minutes लगेंगे गोल्डन ब्राउन होने में। अब पनीर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसकी प्यूरी बनाते हैं। प्यूरी के लिए पहले मैंने घी डाला, घी डालने के बाद थोड़ा सा बेसन डालेंगे, बेसन को रोस्ट करेंगे। बेसन रोस्ट करने के बाद इसमें जिंजर डालूंगी, जिंजर को भी स्टर फ्राई करते हैं। के जिंजर के बाद टोमेटो प्यूरी डालूंगी। टोमेटो प्यूरी डालने के साथ इसमें मसाले डालेंगे, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च, सूखी मेथी, रेड चिल्ली पाउडर। अब टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। अब टमाटर पकना स्टार्ट हो चुके हैं, मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और टमाटर प्यूरी को जब तक पकाते हैं जब तक ये घी ना छोड़ दे। टमाटर पक चुका है, मैं इसमें अमूल क्रीम ऐड करूंगी 1 spoon। अब इसमें अमूल क्रीम डालने के बाद मैंने पीस पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो मैं इसमें पीस इसमें डाल रही हूँ और इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैं इसमें पानी डालूंगी। आपको जितना पतला गाढ़ा मटर पनीर खाना है उस हिसाब से देखिए, इसमें पानी डाल रही हूँ। अब इसको पकने देंगे। इसमें थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, फिर इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब जो हमने पनीर सॉटे किया था वो इसमें मिक्स करेंगे। हमारा मटर पनीर एकदम रेडी है, इसमें बॉईल आ चुका है, अच्छा मसाले मिक्स हो चुके हैं और कलर देखिए कितना अच्छा है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। अब हमारा मटर पनीर एकदम तैयार है। आप देखिए कितना दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। आप मेरी रेसिपी फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बहुत सारे लाइक्स देना। थैंक यू सो मच।